नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज के ताजा मौसम समाचारों की अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की, कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज, तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अभी और गिरेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। तो इस वीडियो को बिना भगाए पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के निशान को जरूर से दबा दे, ताकि मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो आज से कई इलाकों में होगी बारिश, से मौसम विभाग ने दी है चेतावनी। देश के कई राज्यों में जो है आज एक बार फिर से जो है मौसम बदलने वाला। दरअसल मौसम विभाग ने जो है भविष्यवाणी की है कि आज देर रात से जो है 14 तारीख तक जो है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक हल्का यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ जो है वो एक्टिव होने वाला, जिसके कारण कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी होने वाली है। वही मौसम विभाग ने 14 तारीख तक जो है मैदानी इलाकों में छिटपुट बारिश की बात भी यहाँ पर कही है। साथ ही अगले दो दिनों के दौरान रॉयल सीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल और केरल में गर्मी जो है बढ़ सकती है। बता दें आपको कि हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बर्फबारी और बारिश के बाद जो है तीन राष्ट्रीय राजमार्ग 360 से अधिक जो है सड़कें बंद है। मौसम विभाग ने जो है आज बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के अनुसार आज की रात से जो है एक ताजा पश्चिम विक्षोभ जो है पश्चिम हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है, जिसके कारण कई इलाकों में बारिश होने के आसार है। वही कई इलाकों में बर्फबारी होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी होने की भविष्यवाणी की गई है, जबकि 14 तारीख तक जो है इस दौरान छिटपुट गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। साथ ही बिजली गिरने की भविष्यवाणी की गई है। उत्तराखंड के लिए भी मौसम विभाग ने जो है 11 से 14 के दौरान जो है हल्की छिटपुट बारिश की बात यहाँ पर कही है, बर्फबारी की भविष्यवाणी भी की गई है। वही बारिश की तिथियों की बात करें तो 12 से 14 तारीख तक जो पंजाब में छिटपुट बारिश की भविष्यवाणी है, वही 13 और 14 को हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बारिश की बात कही गई। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में जो है मौसम विभाग ने 13 और 14 में असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। हल्की मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग की ओर से जानकारी जो है वो दी गई है। बात अब राज्य भर मौसम विभाग के समाचारों की कर लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान के मौसम की बात करते हैं, तो राजस्थान में फिर से बदलेगा मौसम। मौसम विभाग ने चेताया बारिश के हैं आसार। राजस्थान में बीते दो तीन दिनों से जो है शांत चल रहा मौसम एक बार फिर से पलटे मारने की तैयारी कर रहा है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के अंदर बैक टू बैक दो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। दूसरे पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से 13 और 14 तारीख कुछ इलाकों में राजस्थान में हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान को हाल में सर्द हवाओ से छुटकारा मिला है, वही तापमान में बढ़ोतरी भी फिलहाल हुई। अगर बारिश हुई तो यहाँ पर तापमान एक बार फिर से गिर सकता है। वही मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के कुछ भागों में आगामी दिनों में दो कमजोर बैक टू बैक पश्चिम विक्षोभ के प्रभावी होने की संभावना है। पहला पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव जो है आज से जो है राजस्थान के कुछ भागों में आंशिक रूप से देखने को मिलेगा, लेकिन बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। आज राजधानी जयपुर में कुछ इलाकों में जो है यहाँ पर सुबह के वक्त हल्के बादल जो है वो जरूर देखने को मिले हैं। वहीं मौसम विभाग जयपुर के मुताबिक कमजोर पश्चिम विक्षोभ की वजह से जो है दूसरे पश्चिम विक्षोभ की वजह से 13-14 तारीख को कुछ इलाकों में राजस्थान में बादल वगैरह छाए रहने का पूर्वानुमान है। यानी बादल वगैरह राजस्थान में छाए रह सकते हैं, ऐसा पूर्वानुमान जो है मौसम विभाग की ओर से जो है वो दिया गया है। राजस्थान के ज्यादातर इलाकों के लिए फिलहाल ये चेतावनी जो है वो दी गई है कि नए पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता के कारण 13 तारीख से कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। ज्यादातर इलाकों में जो है यहाँ पर तापमान में उतराव चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। बात करते हैं यूपी के मौसम की, तो यूपी मौसम को लेकर बड़ा अपडेट। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार जताए गए हैं। दिन में धूप और हल्की ठंड का सिलसिला यहाँ पर जारी है। दरअसल यूपी में मौसम का मिजाज बदल रहा है। अब बीते कई दिनों से जो है प्रदेश में मौसम साफ है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की बात कही गई। हालांकि 13 तारीख को यूपी के कई हिस्सों में बारिश की उम्मीद है। इस अवधि के दौरान जो है पश्चिमी पूर्वी यूपी में कहीं कहीं बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसको लेकर जो है मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है। ज्यादातर इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी जो है वो दी है। वही प्रदेश में जो है ज्यादातर इलाकों में पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है। वही इस अवधि में जो पूर्वी यूपी में भी मौसम साफ रहने के आसार है। आज और कल दो दिन तक यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, फिर जो है 12 तारीख के बाद जो है ज्यादातर इलाकों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ यूपी के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट जो है वो निकल के सामने आ रहा है कि ज्यादातर इलाकों में मौसम में बदलाव होने के आसार है। बात करते हैं हरियाणा के मौसम की, तो हरियाणा में फिर से मौसम बदलेगा। 13 को बारिश के आसार जताए गए हैं। दरअसल
हरियाणा के कर्नल झज्जर में जो है यहाँ पर मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिलेगा। सर मार्च के पहले सप्ताह में हरियाणा में मौसम बारिश ओलावृष्टि के बाद एक बार फिर से प्रदेश में मौसम करवट लेगा। वही मौसम विभाग की ओर से अगले कुछ सप्ताह तक के लिए जो येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा में जो है गरज चमक के साथ बारिश और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की बात कही गई। रिपोर्ट के मुताबिक करनाल झज्जर में कल सबसे ठंडी रात रही। नारनौल सबसे गर्म इलाका रहा। तापमान जो है करनाल में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान नारनौल में 27.5 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। तो ये हरियाणा के मौसम को लेकर कुछ बड़े अपडेट लेकर निकल सामने आ रहे हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को देख कैसे रहे हैं।